हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केक हाउस बाय अनुप्रिया। तो आज हम आपके लिए मटर के छोले की रेसिपी लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम मटर के छोले बनाना। उसके लिए हमने 250 ग्राम मटर लिए थे जो हमने रात भर भिगो के रखे हैं। इनको हमने सुबह में अच्छे से पानी के साथ वॉश कर लिया है और अब हम इनको एक कुकर में उबालने के लिए रख देंगे। इसके अंदर अब हम पानी डालेंगे। मटर में पानी हम उतना ही डालेंगे जितने की हमारी मटर अच्छे से डूब जाए, और ये बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमने रात भर भिगोए हैं तो ऑलरेडी फूल चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे ताकि मटर के अंदर तक हमारे नमक चला जाए। उबलते वक्त ही हम इसमें नमक डाल देंगे और अब हम कुकर की लेट को बंद कर देंगे और गैस पर उबालने के लिए अब हम इनको रख देंगे। इसमें हम 2 से 3 सीटी आने तक हम इनको उबाल लेंगे। देखिए हमारे कुकर में सीटी आ रही है, अभी हम 1 या 2 सीटी और लगाएंगे कुकर में और इसकी फ्लेम को हाई ही रखेंगे। और दूसरी देखिए, अब हमारे कुकर में 2 से 3 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को सेम कर देंगे और इनको 5 मिनट और उबलने देंगे। जब हमारा 5 मिनट अब हम हो चुके हैं, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है देखिए, और हमारे छोले गल चुके हैं अच्छे से। अब हम इनको एक बोल में निकाल लेंगे। तो चलिए, तो अब हम तैयारी करते हैं छोले बनाने की। उसके लिए हम 2 टमाटर लिए हैं हमने, जिनको हम अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और हमने 3 से 4 हरी मिर्च भी लिए हैं, जिनको हम बारीक बारीक काट लेंगे अच्छे से। और 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है, जिसको भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। जब हमारा इतना काम हो जाएगा उसके बाद हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून के लगभग ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा चटक जाएगा उसके बाद हम हरी मिर्च और अदरक जो हमने बारीक बारीक काटे थे वो इसके अंदर डाल लेंगे और उनको हम अच्छे से भूनेंगे। जब हमारे ये अदरक और हरी मिर्च अच्छे से भून जाएंगे तब हम इसमें हम जो टमाटर काटे थे वो भी इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे और इनको भी हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमको क्योंकि हम ये छोले के लिए बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने इसमें 1 से 1.5 चम्मच हमने हल्दी डाली है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल लिया है। इनको हम अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद हम इसमें छोले डालेंगे। छोलों को हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और देखेंगे हमारे छोले ठीक तो नहीं है। अगर ठीक है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। देखिए अब हमारे छोले बहुत ज्यादा ठीक भी नहीं है और बहुत पतले भी नहीं, तो अब हम इनको ढककर अभी हम इसमें काला नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें हम चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच के लगभग, और इनको भी हम अच्छे से मिला देंगे। और उसके बाद हमने जो हमने एक जीरा भून के रखा था उसको भी हम इसके अंदर जीरे को हाथ पर रगड़ के अच्छे से और इसके अंदर डाल देंगे। इससे ना हमारे छोले का टेस्ट जो है इनहेंस हो जाता है और बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है। अब हम इनको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ढककर छोड़ दें। देखिए हमारे छोले उबल गए हैं और अच्छे से बन भी गए हैं। देखिए अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और ऊपर से धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। हमने धनिया काट के रखा था उसको भी हमने इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। और अब हम 1 नींबू लिया है हमने, तो इसका नींबू को निचोड़ देंगे इसके अंदर और इसे थोड़ा सा इससे इसमें हम खट्टापन आ जाएगा। देखिए हमारे छोले बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको
एक बोल में निकाल लेंगे। ये छोले आप ऐसे भी खा सकते हैं और इनको हम आलू की टिक्की, समोसे उनके ऊपर भी डाल के खाएंगे तो बहुत मजा आता है। देखिए हमारे छोले तैयार हैं। अगर आपको पसंद आए मेरे छोले तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।